रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बना रही हूँ अंडे छोले, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और ये जिस तरीके से बनेंगे, आप उसी तरीके से बनाएंगे तो आपके ये अंडे छोले बहुत लजीज बनेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये छोले लिए हैं जो एक पाव हैं। इसको मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था और एक चम्मच जो है मीठा सोडा डालकर इसको रख दिया था। अब सुबह मैंने इसको गर्म इसको उबाल लिया है, जो इस अच्छी तरीके से ये उबल चुके हैं। इसमें ये अदर, ये 6 अंडे हैं जो कि मैंने बॉयल कर ली हैं। अगर आप इसे ज़्यादा डालना चाहें, आपको ज़्यादा पसंद हो, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये मैंने 6 अदर प्याज लिए जो कि छोटी साइज़ की थी। इसके अलावा इसमें ये मिर्चें जाएंगी। ये दही लिए मैंने 1/2 पाव के करीब। 1 अदर टमाटर लिया है। और इसमें ये जो मसाला है, ये है साबुत धनिया, थोड़ा 1/2 चम्मच साबुत धनिया लिया है मैंने। इसमें ज़ीरा 1/2 चम्मच और अजवाइन, इन तीनों चीज़ों को मैंने भूनकर पीस लिया है। तो चलें शुरू करते हैं। पहले ये मैं पतीले में 2 चम्मच बड़े जो हैं ये मैं तेल डालूँगी। इसी तेल में हम प्याज जो है इसको ब्राउन कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो मैं इसमें ये जो प्याज मैंने काटी है ये मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको हम ब्राउन करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। अब इसमें ये हमने प्याज डाल दी है तो अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। ब्राउन होना शुरू हो गई है तो मैं इसमें ये जो मैंने 1 अदर टमाटर लिया है वो ये मैं भी इसमें काफ़ी इस तरीके से डाल दूँगी ताकि इसके अच्छी तरीके से ये जो है गल जाए। अब हम इसको निकाल कर इसको इसके साथ जो हमने दही पीस ली है इसको मैं जग में निकाल दूंगी। इस बचे हुए तेल में हमने 2 चम्मच जो है अदरक लहसुन से डाल देती हूँ। अब इसमें मैं ये दही भी शामिल कर दूंगी। इसमें थोड़ी सी बचा लेंगे क्योंकि मैंने 1 अदर इसमें टमाटर भी डाला है। अब इसमें ये 6 अदर जो मैंने मिर्चे लिए हैं छोटे, ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अब सब चीज़ों को मसाला भूना था, अब मैं इसमें और मसाला ऐड कर देती हूँ। ये मैंने 1/2 चम्मच पीसी हुई मिर्ची वो धनिया डाला है, धनिया पाउडर। इसके अलावा ये मैंने 1 भर के जो लिया है 1 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर है और 1/2 से ज़्यादा जो है मैंने हल्दी पाउडर लिया है। नमक 1/2 चम्मच लिया है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब ये मसाले मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसको हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। इसके साथ में जो मैंने मसाला पीसा है वो भी शामिल करूँगी। अच्छा देखिए, अब ये जो मैंने प्याज वगैरह जो पीसी है ये भी इसमें शामिल कर दूँगी ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से भून जाए। हमारा सालन जो अच्छी तरीके से भून गया है क्योंकि इसके ऊपर ये जो तेल है ये अच्छी तरीके से ऊपर आ गया। अब इसमें मैं अंडे ऐड कर दूँगी। ये देखिए, मैंने 6 अदर जो अंडे लिए थे, अब इसमें मैं ज़रा ये कट लगा दूँगी। कट लगाने से ये होगा कि इसका ये जो सालन है इसके अंदर चला जाएगा ताकि अंडे जो है फीके फीके ना लगे। इसी तरीके से हम सारे अंडों पे लगा लेंगे। ऐसे डालने से फीके फीके लगते हैं अंदर से। इस तरीके से करेंगे हम तो फिर अंडे जो हैं सही लगेंगे। अच्छा देखें, इसको मैंने सब में कट लगा लिया है। अब मैं इसको सालन में डालूंगी। अभी मैं
इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डालूंगी, फिर थोड़ी देर में हम इसमें छोले डालेंगे। अब ये छोले हैं, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब ये मैं छोले इसमें मैंने डाल दिया, अब हल्का सा पानी डालकर मैं इसको ढक के रख दूंगी और 5-10 मिनट के बाद हमारे अंडा छोले तैयार हैं। मेथी है जो कि मैंने एक चमची ली है, ये मैं इसमें डालूंगी। अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारी ये रेसिपी जो है रेडी हो चुकी है। अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।